नमस्कार दर्शकों, एस्टरडे में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आज हम आए हैं ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में, जहां पे जो है नर्सरी से लेके प्लस टू तक साइंस कॉमर्स आर्ट्स की क्लासेस जो हैं यहां पे लगती हैं। यहां पे बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी से प्लस टू तक। और हम जो हैं यहां पे आए हैं तो हम जानेंगे कि जैसे कोविड 19 जो है महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमनलता जी से कि किस तरह से जो है कोविड पेंडेमिक के बीच में जो हैं वो कक्षाएं जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं ऑनलाइन माध्यम से, या किसी भी प्रकार से जो है बच्चों की स्टडी किस प्रकार से जो है वो बच्चों का फोकस जो है स्टडी के ऊपर करवा रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आप हमें बताएं कि किस तरह से जो है कोविड 19 के बीच में भी किस तरह से जो है आगे तैयारियाँ चली हुई हैं आपकी। अभी तो हमारा ये सेशन ओवर हुआ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले मार्च 22 को लॉकडाउन लग गया था और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन लगा था, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो लॉकडाउन लग गया था। और आप सबको पता है कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जो है वो उनका सामना हम सबको करना पड़ा। बट जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन हैं वो फिर भी हुए थे और उन बच्चों को जो है वो एग्ज़ामिनेशन देकर आगे क्लासेस में उनके रिजल्ट आउट हुए थे। अब इस बार जो है वो अभी फिर मार्च महीना शुरू हो गया है और सुनने में और देखने से ये लग रहा है कि इस बार पता नहीं अब क्या चांसेस रहेंगे, क्या कंडीशन रहेंगी, सरकमस्टांसेस कैसी रहेंगी, कि किस तरह से स्कूल में जो है वो क्लासेस चल पाएंगी, ऑफलाइन चलेंगी या ऑनलाइन चलेंगी। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों का जो है वो फ्यूचर है जो बहुत ही इसमें प्रभावित हो रहा है और बच्चों का बेस जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट उस पर हो रहा है। बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम किसी भी तरह से बच्चों का जो है वो एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम स्टॉप ना करें और ना ही उनका एक भी साल जो है वो ख़राब हो। और उसके लिए हमें चाहे ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़े चाहे ऑफलाइन, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होगी उसे हम फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस लगाएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है वो शुरू होने जा रही हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों का थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो। रिगार्डिंग कोरोना जो है वो कोविड 19 में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कोरोना जो है वो सबसे ज़्यादा जिसने इफ़ेक्ट किया है वो किया है प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ख़ासकर स्कूल्स जो हैं वो बार बार जो हैं वो इंस्ट्रक्शन चेंज होने की वजह से बार बार जो है वो बच्चों में और टीचर्स में और पेरेंट्स में कन्फ्यूज़न आता रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप लेती हैं और ले रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही हैं, तो वो ज़रा ये भी सोचें कि प्राइवेट स्कूल्स वाले इतने सारे स्टाफ मेंबर्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और इतना सारा उनका जो है वो स्ट्रक्चर है और इतने सारे एक्सपेंसेस हैं जो भी स्कूल के होते हैं, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। मैम, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो किस तरह से जो है बच्चों को मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टडी के लिए? बच्चों को जो है वो टीचर्स जो हैं वो ऐप के थ्रू जो है वो बच्चों को वीडियो बना के भी भेजते हैं और स्कूल में आकर बोर्ड में पढ़ा कर बच्चों को वीडियो सेंड करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी पढ़ाया जाता है और उनकी ऑनलाइन क्लास भी ली जाती है। मैम, जैसे बोर्ड की क्लासेस की 10th और प्लस टू की बात करें तो उसके लिए किस तरह से तैयारियाँ करवा रही हैं आपको, बच्चों के लिए किस तरह से करवाएंगे आप तैयारियाँ? इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन बिकॉज 10th और प्लस टू इज बोर्ड क्लासेस एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि इन बच्चों का जो है वो कैसे करवाया गया है। हमने बहुत मेहनत करके बहुत कोशिश करके इन बच्चों की एक्स्ट्रा जो है वो क्लासेस लगा के, और अभी जब गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है कि स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करवा के इन बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया है और इनका सिलेबस कंप्लीट करवा के उसका रिवीजन भी करवाया है। मैम, आप जैसे अभी नया सेशन शुरू होने वाला है तो कब से क्लासेस जो हैं कब से बच्चों की शुरू होने वाली हैं और एडमिशन वगैरह?
अभी नए सेशन में जो बच्चों का जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है वो अप टू फोर्थ तो सभी कुछ बंद है और स्कूल और कॉलेज जो हैं वो अप टू 15 अप्रैल जो है वो बंद है, बट 5 अप्रैल से इनका एडमिशन स्टार्ट है। तो हमने पेरेंट्स को जो है वो फैसिलिटी दी है कि वो ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं। वो हम SOP का पालन करके पूरा जो भी इंस्ट्रक्शन है कोविड की उनका पालन करते हुए स्कूल में स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज़र जो भी आने वाले हैं उनको जो है वो उनका टेम्परेचर वगैरह देख के और फिर उनको एंट्री दी जाती है। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके पेरेंट्स आते हैं और एडमिशन करा रहे हैं और कुछ पेरेंट्स ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। ओके मैम, तो जैसे अगर भगवान ना करे कि हाँ ऐसा हो, बट अगर ये स्थिति जो है ऐसी ही बनी रहती है, COVID-19 जो है वो ऐसे ही फैल रहा है, अगर ऐसे ही फैलता रहता है तो किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वी मस्ट प्रे टू ऑलमाइटी गॉड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे एक इंसान ही ऐसा है जो लड़ सकता है। इंसान में ही एक क्वालिटी है भगवान ने दी है कि जो हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है, बट अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और पूरा SOP और पूरा COVID-19 के जो भी इनके जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी उनका पालन करते हुए हम काम करेंगे। जो मैम नई शिक्षा नीति है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति जो है वो जैसे ही हमारे यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको उसी तरह से फॉलो करके किया जाएगा। एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, एडमिशन के लिए मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि डोंट थिंक कि COVID-19 है और इसमें बच्चों का एडमिशन नहीं कराना है, तो घर में रह के आपके बच्चे का क्लास जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। आपको बच्चों का एडमिशन जो है वो करवाना ही पड़ेगा स्कूल में, ताकि बच्चे आने वाले साल में अपना एंड में जब सेशन एंड होगा इस साल की तरह, तो बच्चे अपना एग्ज़ाम देकर नेक्स्ट क्लास में बैठ सकें, क्योंकि हमारा जो HP एजुकेशन बोर्ड है जो कभी भी अलाउ नहीं करता है कि बिना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए बच्चे को नेक्स्ट क्लास में बिठा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर कराएं और बच्चों को रेगुलर इन टच रखें। ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन रखें, ऑफलाइन रहें तो ऑफलाइन, अदरवाइज आपका जो आपका बच्चा है वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है और इसकी एजुकेशन में अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बाद में भुगतनी पड़ती है। इसलिए बी अलर्ट और डोंट थिंक, अगर कोविड भी है तो भी हमें इसके साथ चलने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। मैं उन सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस COVID-19 के काल में हमें स्कूल को बहुत ज़्यादा अपनी कॉपरेशन दी, उन्होंने हमें हमारे टाइम टेबल को, हमारे जो भी शेड्यूल था उसको उन्होंने बच्चों से फॉलो कराया भी, और जैसे जैसे जो है वो उन बच्चों को कहा गया और करवाया गया, पढ़ाया गया, तो पेरेंट्स ने सभी ने बहुत कॉपरेट किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि एक टीचर जो है वो सचमुच ऐसे नहीं कहलाता है नेशन बिल्डर, सचमुच वो नेशन बिल्डर होता है। बच्चे हमारी एक ऐसी धरोहर है जो कि हमारा देश का भविष्य है, और टीचर जो है वो इस भविष्य को संवारने में जितना भी योगदान दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ऐसे समय में, इस कोविड काल में, उन्होंने बच्चों को आगे ले जाने में, बच्चों को पढ़ाने में कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है जिससे कि बच्चे हमें कुछ कमी महसूस करें। मेरी तरफ से मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक से आपने जो है वो बच्चों के लिए अपना
टाइम दिया है, बहुत अच्छा टाइम दिया है। ऑनलाइन भी आपने क्लासेस ऐसे ली हैं, बहुत रेगुलर ली हैं और बहुत अच्छी तरह से बच्चों को सिलेबस को सारा करवाया है और बच्चों को इस काबिल बनाया है कि इस एग्जामिनेशन और इंटर एजुकेशन में एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्वालिफाई द क्लास। धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमीरपुर की प्रधानाचार्य, जिन्होंने बताया कि आप एडमिशन जरूर लें, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।